रूपा जी दर्शक हैं घनश्याम जी, जिनका सवाल लहसुन के बारे में आ रहा है, लहसुन के बारे में जानना चाह रहे हैं। रूपा जी देख रहे हैं कि लहसुन की आवक मंडियों में इतनी बंपर देखने को मिल रही है कि कीमतें उठ नहीं पा रही हैं, और दूसरा कि हम देख रहे हैं कि अब जनवरी में नई लहसुन आ जाएगी, तो ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या नई लहसुन पुरानी कीमतों को और लुढ़का देगी, या फिर आगे कुछ बढ़त की भी उम्मीद है, या फिर इंडस्ट्रियल डिमांड थोड़ी उठेगी? देखिए लहसुन में फिलहाल तेजी बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। मैंने काफी टाइम से मैं यही बोल रहा हूँ कि लहसुन में अभी जिस तरीके से हमने अराइवल्स देखे हैं उसके चलते फिलहाल तेजी का मोमेंटम बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। लगातार प्राइजेस जो है वो नीचे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, और किसानों की चिंता भी इसमें बढ़ती जा रही है क्योंकि उनके पास माल काफी रखा हुआ है, और अभी जब पिछली बार जो अच्छे प्राइजेस मिले थे उसके बाद इस बार प्रोडक्शन भी काफी अच्छा खासा हुआ है। अब तो फार्मर्स का ये भी कहना है कि उनकी कॉस्ट भी नहीं निकल पा रही है जो मंडी में जो भाव उनको मिल रहे हैं। तो ऐसे में अभी लहसुन की कीमतों में देखिए तेजी की तो फिलहाल कोई भी कहीं से भी कोई गुंजाइश दिखाई नहीं देती है। तो मुझे लगता है कि बाजार इसी रेंज में ही घूमता हुआ दिखाई देगा, ना तो बहुत ज्यादा गिरावट की उम्मीद है और ना ही बहुत ज्यादा तेजी। आमतौर पर देखा जाता है कि ठंड के दिनों में लहसुन का दाम बढ़ जाता है क्योंकि इसकी डिमांड जो है वो उसके ऊपर असर आता है और डिमांड बढ़ती है, इस वजह से इसकी प्राइसेस के ऊपर एक तेजी का रुझान बनता हुआ दिखाई देता है। लेकिन इस बार ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, कोई बहुत ज्यादा प्राइसेस के ऊपर इसका असर नहीं आया है। तो मुझे लगता है कि प्राइसेस जो है इसके रेंज में रह सकते हैं, फिलहाल तेजी बनती हुई तो दिखाई नहीं देती है जी।